बसपा सांसद दानिश अली के लिए बीजेपी सांसद रमेश भिदूड़ी के बोल बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। पहले दानिश अली ने सांसद ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा से अवगत कराया। अब बीएसपी नेता दानिश अली ने पूरे मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर कार्रवाई की मांग करते हुए इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का आग्रह किया है। एक और जहां बीजेपी अपने सांसद की वजह से घिर गई है, तो दूसरी तरफ दानिश अली को विपक्ष का साथ मिलता नजर आ रहा है। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने इस मामले में दानिश का समर्थन करते हुए सांसद भिदूड़ी के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस सोशल मीडिया पर साझा किया। सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट करते हुए जानकारी दी। लेटर में लिखा है, 21 सितंबर 2023 को लोकसभा सांसद रमेश भिदूड़ी ने सत्र के दौरान कुछ बयान दिए जो लोकसभा की अवमानना थे और सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन थे। साथ ही सुले ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं दानिश अली से मिलने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनके घर पहुंचे। दानिश से हुई मुलाकात का जिक्र राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए किया। राहुल ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। वहीं इस पूरे मामले पर दानिश अली को विपक्ष के नेताओं का साथ मिल रहा है। अलग अलग पार्टियों के नेता दानिश के समर्थन में खड़े हो गए हैं। ने कहा है दानिश अली जी के बारे में, वो अत्यंत निंदनीय है, इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है, दानिश अली जी का तो अपमान ही है, पर हम सब का अपमान है। और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है, नई पार्लियामेंट की शुरुआत भिदूड़ी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है, और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये भिदूड़ी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफी मांगी, पर मैं जरूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं एक बात कहूं, मुझे दुख जरूर हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, आश्चर्य कतई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही, गोडसे को देशभक्त बताने वाला सांसद कौन है, किस पार्टी का है? टिम्बकटू में नहीं, भोपाल से सांसद है। और कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है, तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश भिदूड़ी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है, आपकी मर्जी के बगैर तो आपके दल में एक पत्ता नहीं हिलता। खैर, इतना तो तय है कि मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें स्पीकर ओम बिरला पर टिकी हुई है कि वो रमेश भिदूड़ी पर क्या एक्शन लेते हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।